हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेथ गुरु चेला सो माय डियर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास कर रहे होंगे अपने थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट को उनका जो कंटेंट है उनका जो बेस्ट रीडिंग्स हैं एंड सो ऑन सो डियर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स नाइन विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या है इसका सिलेबस क्या है इसका कंटेंट आप लोगों को बताएंगे साथ ही आप लोगों को बताएंगे कुछ बेस्ट रीडिंग्स जिनके माध्यम से आप अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे ये जो वीडियो है ये बी ए ऑनर्स पोलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है जो कि एज नाओ अपना जो थर्ड सेमेस्टर है अंडर यू जी सी एफ एन ई पी के तहत जो है कवर करने जा रहे हैं ये जो वीडियो है ये ड्यू रेगुलर

इंडिया में गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को जानने की सुविधा प्रदान करना इसका पर्पस है कि समझा जाए कि लिबर्टी इक्वलिटी और जस्टिस टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी ये सब वैल्यूज़ हैं जिन पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया प्रीमाइज्ड है इस कोर्स में ये कंटेंस्टेशन ट्रेस किए जाते हैं कि ये वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इनकोपरेट हुए थे और ये डेमोस्ट्रेट करता है कि ये प्रैक्टिस में कैसे प्ले आउट होते हैं ये इनक्रेज करता है कि स्टूडेंट्स देख सकें कि इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पोलिटिकल कॉन्टेक्ट से कैसे इम्पेक्टेड होते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी के बीच का रिलेशनशिप इन प्रोसेसेस में सिग्निफिकेंट इंसाइट्स ऑफर करते हैं इस कोर्स से डेवलप करा जाता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं जो कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन कैरेक्टराइज्ड हैं एसिमेट्रिकल फेडरल अरेंजमेंट में पावर्स का डिवीज़न या फिर आप कह सकते हैं वर्न लेबल को डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स पर केसेस क्लासेस एथेनिसिटी और जेंडर से प्रोटेक्ट करना और पावर डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट करना पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को लोकल लेवल्स पर करना ये ओवरऑल इसका एक एम है इसका एक पर्पस है बेसिकली इस कोर्स से आप लोग जान पाएंगे कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन है क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेमोक्रेसी क्या है गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी आप इस सब्जेक्ट के माध्यम से जान पाएंगे समझ पाएंगे सो आइए अब बात करते हैं क्या सिलेबस है क्या कंटेंट है कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है सो देखिए डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर आप लोगों को केवल फोर यूनिट्स गिवन है जिसमें डिफरेंट कंटेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी लेंथियस्ट कंसेप्ट हैं जो कि आप लोगों को बेहतर तरीके से कवर करने हैं यूनिट वन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या थी उसके बारे में आप जानकारी ले पाएंगे समझ पाएंगे कि, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है ठीक है इसके अंदर आप लोगों को दो मेज़र टॉपिक्स को कवर करना है पहला टॉपिक है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की जो फ़िलासफी है वो क्या है क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है किस प्रकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार क्यों कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोग इसके अंदर जान पाएंगे द प्रियम्बल जो कि आप कह सकते हैं एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है ठीक है सो so, जो आईडी कार्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द प्रियम्बल वो भी आप इसके अंदर जान पाएंगे कि इसकी क्या नीड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंशन है उसको फिगर आउट आप इसके अंदर कर पाएंगे एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं वो वो भी आप इसके अंदर जान पाएंगे उसके बाद बी टॉपिक जिसके अंदर आपको सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट्स डरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये तमाम टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये ओवरऑल आप लोगों को कवर करने हैं एंड एज आ बी एनर्स पॉलिटिकल स्टूडेंट्स आप लोगों को सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट्स एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनके बारे में जो जानकारी है वो होनी भी चाहिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स सो so, आप लोगों को ये दो मेजर टॉपिक्स अपनी यूनिट वन के अंदर कवर करने हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा क्या उसकी फ़िलोसफी रही है आखिरकार प्रियम्बल क्या है उसको कहाँ से हमने लिया है एंड उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या मेज़र फीचर्स हैं जो जो सिटीजनशिप का हमारे में दिया गया है कंसेप्ट वो क्या है फंडामेंटल राइट्स का हैं जिनमें हम बात करते हैं आर्टिकल बारह से लेकर आर्टिकल पैंतीस तक उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं

तो देखिए जो लेजिस्लेचर है वो क्या है जिसके अंदर आपको आ, आप कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई एक्ट जो है कोई लॉज जो हैं वो बनाए जाते हैं ठीक है विधायिका आप कह सकते हैं जहाँ पर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ़ पार्लियामेंट जो भी पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शंस है वो आप लोगों को कहाँ पर कवर करने हैं जो भी डिबेट्स होती हैं रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट पर वो भी आप लोगों को कहाँ पर कवर करनी है एग्जीक्यूटिव क्या है जो कि चीज़ों को पारित करता है यानी कि यहाँ पर आपको इलेक्शन पावर फंक्शंस एंड द चेंजिंग रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को कहाँ पर कवर करना है जुडिशरी क्या है आपकी न्यायपालिका है जहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर किस प्रकार जजेस का अपॉइंटमेंट होता है एंड क्या उनके फंक्शंस होते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के ये भी आप लोगों को कहाँ पर कवर करना है दैन इसके बाद है आप लोगों की थर्ड यूनिट जो कि है फेडरलिज्म एंड डी जहां पर आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन को कवर करना है एसीमेट्रिकल फेडरलिज्म को कवर करना है पंचायत एंड म्यूनसपलिटीज़ को आप लो लोगों को यहाँ पर कवर करना है देखिए हमारे यहाँ थ्री टायर की सरकार होती है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है उसके बाद है यूनिट फोर जो कि लास्ट यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉज जिसके अंदर आपको इमरजेंसी प्रोविजंस कवर करने हैं एंड uh, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉज हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर कर रहे नाउ डियर स्टूडेंट सिलेबस को कवर करने के बाद आइए आप लोगों को बताते हैं कुछ बेस्ट बुक्स कुछ बेस्ट रीडिंग्स जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल uh, हैं आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही वे में जो है परचेज़ कर सकते हैं पहला है पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर भार्गवा के द्वारा लिखी गई है काफ़ी अच्छी बुक है आपके जो जो सिलेबस है उसके अंदर इस रीडिंग को जो है एसेंशियल के तौर पर दिया गया है ठीक है तो आप इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही वे में परचेज़ कर सकते हैं इसके बाद है दुर्गा दास बासु डी डी बासु की इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्वेंटी सिक्स एडिशन यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद है द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है आप कह सकते हैं एस के चौबे की बुक है काफ़ी अच्छी बुक है इसके बाद है आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुभाष सी कश्यप के द्वारा लिखी गई है काफ़ी बेस्ट बुक है अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली आप जो है इन डीप हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन को उसको बेहतर तरीके से जान पाएंगे समझ पाएंगे इसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी एक अदर बुक है सो तो ये सभी के सभी बुक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इन बुक्स के माध्यम से आप हर एक कंटेंट हर एक जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे ये जो बुक्स हैं ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल हैं आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही वे में सो डियर स्टूडेंट्स ये हैं कुछ बेस्ट बुक्स मैं चाहूँगा कि आप अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष जी कश्यप एंड पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर भार्गवा इन इन दोनों बुक्स को ज़्यादा रिकमेंड करते हुए चलें ठीक है डियर स्टूडेंट्स सो ये है आप लोगों का सिलेबस ये है बेस्ट रीडिंग्स आप लोगों को सिलेबस को कवर करने के लिए सो डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान गए होंगे कि क्या सिलेबस है क्या कंटेंट है क्या क्या बेस्ट रीडिंग्स हैं अगर आपकी फिर भी कुछ भी क्वेरीज हैं तो वाया कमेंट बॉक्स एक्सन में कमेंट करके कर, कर सेंड कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए एंड जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर आउट किया जाए सो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जरूरत जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे किसी भी प्रकार का जो वीडियो है कोई भी जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो डियर स्टूडेंट्स आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है आप हमें अपनी जो क्वेरीज़ है सेंड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर एंड आप लोग जो है मेल भी कर सकते हैं अगर आपके कुछ पर्सनल सजेशनस हैं हमारे मेल एड्रेस है पढ़ाई विद गुरुचेला एट द रेट जी मेल डॉट कॉम सो डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो